नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बॉम्बे विकेंड्स बैग के अहम सदस्य रहे नीरज सिधर ने गोपाल मैदान में आयोजित जमशेदपुर कार्निवल के अंतिम दिन अपने गानों से सबको झुमा दिया। MGM थाना के बालीगुमा स्थित नेशनल हाईवे सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। क्या पता चला आप लोग को? हम लोग को ताड़ो से पता चला कि ये दोनों को गाड़ी मार दिया रोड में। आप लोग आइए। अच्छा, फिर लेकर के? हाँ ले, गाड़ी तो नहीं, गाड़ी है नहीं, मरने वाला गाड़ी भाग गया है। अच्छा, भाग गया। इसमें जिसमें एक का मौत हुआ है ना? एक एक आदमी डेथ कर गया। अभी कहाँ घायल को कहाँ ले जा रहे आप लोग? TMH ले जा रहे हैं। TMH ले जा रहे हैं। झारखंड क्षेत्रीय संघ टेलको इकाई की महत्वपूर्ण बैठक लोयला BED कॉलेज के संयुक्त बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुमारपाड़ा स्थित शनि मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। शनि महाराज को पुष्प अर्पित कर पूरे भारतवर्ष के लोगों के स्वास्थ्य और मंगल के लिए प्रार्थना किए। जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बनाने और तीसरे मत अधिकारी को लेकर अहम कदम सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा के साथ मिलकर सौरभ बना रहे डॉक्यूमेंट्री। ये जो मूवी है ये 2 घंटे की मूवी होगी और इस का पर्पस है जमशेदपुर में जो नगर निगम की समस्या है जो तीसरे वोट से जुड़ा हुआ है कि तीसरे वोट का अधिकार लोगों को देने का नहीं है जमशेदपुर में। आज आज़ादी के बाद 75 साल हम लोग बिता चुके हैं और 75 साल में जमशेदपुर भारत का इकलौता एक शहर है जिसमें लोगों को तीसरे वोट देने की आज़ादी नहीं है। तीसरा वोट, 3 तरह का वोट देने का संवैधानिक व्यवस्था है किसी भी भारत के नागरिक को। पहला हम लोग जब अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, दूसरा जब हम लोग अपना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, तीसरा राइट ऑफ वोट आता है जब हम लोग अपना नगर निगम या नगर पंचायत से अपना मेयर चुनते हैं। तो जमशेदपुर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 75 साल 100 साल से ज़्यादा जमशेदपुर जो है वो टाटा स्टील के द्वारा गवर्न है। टाटा स्टील जो है वो बहुत ही एक अच्छी कंपनी है मगर समय के साथ उनका विजन जो है हमारे जमशेदपुर के लिए बदल गया है। अब टाटा स्टील का ये मानना है कि जमशेदपुर शहर जो है वो उनका है और इसको एक कंपनी एरिया में बदल दिया जाए, लेकिन संवैधानिक रूप से जब आप जमशेदपुर की व्यवस्था को देखेंगे तो जमशेदपुर में अभी लाखों लोग रहते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट पॉपुलेशन 10 लाख के लगभग है सिर्फ पुलिया से इस क्षेत्र में, कंपनी क्षेत्र में। तो 10 लाख लोग जहाँ रहते हों उसको इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए कि कंपनी सिर्फ 20-25% जो स्पेस है उन लोगों को सिर्फ अपना फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बाकी जो जितने भी जो अर्बन स्लम का यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है, 113 बस्तियाँ हो चुकी हैं यहाँ में, वहाँ लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में भी सोचना हमारा दायित्व तो है। अगर नगर निगम होगा तो हम उन लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।